नमस्कार, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल धर्मेंद्र स्टडी में। तो दोस्तों, अचानक बिहार बोर्ड ने इंटर पेरेडिकल परीक्षा 2021 का पेरेडिकल परीक्षा सेंटर लिस्ट जो है यहाँ पर जारी कर दिया है। किस किस स्कूल कॉलेज को जो है यहाँ पर टैग कर जो है इंटर पेरेडिकल परीक्षा 2021 का परीक्षा सेंटर जो है बनाया गया है। आप लोग को कहाँ पर जो है पेरेडिकल परीक्षा का सेंटर जो है बिहार बोर्ड ने भेजा है, आप लोग को किस स्कूल कॉलेज में जो है आप लोग का पेरेडिकल परीक्षा होंगे, और यहाँ पर किस स्कूल कॉलेज का जो है यहाँ पर होम सेंटर पर ही परीक्षा होंगे, और किस स्कूल कॉलेज को जो है यहाँ पर किस स्कूल कॉलेज से जो है यहाँ पर टैग कर जो है यहाँ पर पेरेडिकल परीक्षा का सेंटर जो है बिहार बोर्ड ने भेजा है, तो मैं सारा जानकारी को जो है इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप जो है आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूँ विस्तार से। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुँच सके। और अभी तक आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, और बगल में बेल घंटी जाएगा उसको पॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि बिहार बोर्ड की पल पल की खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे, आप लोग जान सके। डाउट नोट, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है, और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपको क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, NEET या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डाउट नोट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे डाउट नोट पर। साथ ही डाउट नोट पर क्लास 9 से 12 बच्चों के लिए चल रही इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी डॉट नेट ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पटना शनिवार यहाँ पर 26/12/2020 आने की अभी अभी जो है न्यूज पेपर जारी हुई है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। इंटर परीक्षा 2021 जहाँ लैब नहीं उनकी परीक्षा दूसरे केंद्र पर होगी। पेरेडिकल परीक्षा को बने यहाँ पर 167 केंद्र। देखिए यहाँ पर इंटर पेरेडिकल परीक्षा 2021 के लिए जो है यहाँ पर 167 परीक्षा सेंटर जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ जो है यहाँ पर इंटर पेरेडिकल परीक्षा सेंटर जो है बनाए गए हैं, तो यहाँ पर आप लोग विस्तार से जो है आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और अपना पता कर लीजिए कि आप लोग का स्कूल कॉलेज का जो है कहाँ पर जो है पेरेडिकल परीक्षा का सेंटर जो है आप लोग को पड़ा है और आप लोग को कहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटर वार्षिक परीक्षा 2021 की तैयारी में जुट गई है। इंटर की पेरेडिकल परीक्षा 9 से 18 जनवरी तक होनी है, इसको लेकर कई इंटर स्कूलों में जो है सेंटर नहीं बनाए गए हैं। यानी कि यहाँ पर इंटर पेरेडिकल परीक्षा जो है 9 जनवरी से 18 जनवरी तक जो है इसको लेकर कई इंटर स्कूलों में जो है सेंटर नहीं बनाए गए हैं। और यहाँ पर देखिए कहाँ पर नहीं बनाए गए, कहाँ पर जो आप लोग को होम सेंटर पर ही पेरेडिकल परीक्षा होंगे, तो यहाँ पर देखिए सेंटर नहीं बनाए गए, +2 स्कूलों और कॉलेजों को दूसरे सेंटर पर टैग कर दिया गया है। यानी कि जो है एक दूसरे स्कूल कॉलेज से जो है यहाँ पर टैग कर दिया गया है। बोर्ड के अनुसार पेरेडिकल परीक्षा में उन स्कूलों और कॉलेजों को केंद्र नहीं बनाया गया है जहाँ पर लैब की सुविधा नहीं है। आने की जो है उन स्कूलों और कॉलेजों को जो है केंद्र नहीं बनाया गया है जहां पर जो है लैब की सुविधा नहीं है, लैब की व्यवस्था नहीं है, ऐसे +2 स्कूलों और कॉलेजों के पास के दूसरे स्कूल और कॉलेज में जो है टैग कर केंद्र बनाया गया है। यानी कि जिस स्कूल कॉलेज में जो है लैब की व्यवस्था नहीं है उस स्कूल कॉलेज का सेंटर जो है एक दूसरे स्कूल कॉलेज में जो है भेजा गया है जहाँ पर लैब की व्यवस्था है। इन स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट को जो है उन स्कूल और कॉलेज में पेरेडिकल परीक्षा देनी होगी जहां पर उन्हें टैग किया गया है। यानी कि जहां जो है आप लोग को टैग किया गया है वहां पर जो आप लोग को पेरेडिकल परीक्षा उस स्कूल कॉलेज में जो है आप लोग को देना होगा। पटना में पेरेडिकल के लिए जो है बनाए गए 167 सेंटर पेरेडिकल परीक्षा के लिए परीक्षा सेंटर। पटना जिले में कुल 241 इंटर और कॉलेज और स्कूल है, इनमें से जो है 167 इंटर स्कूल और कॉलेज की परीक्षा केंद्र जो है बनाए गए हैं। इसमें 74 स्कूलों और कॉलेजों को टैग किया गया है। 74 स्कूल कॉलेज को जो है पटना डिस्ट्रिक्ट में जो है यहाँ पर टैग कर एक दूसरे स्कूल कॉलेज में जो है सेंटर बनाया गया है। पेरेडिकल दूसरे परीक्षा केंद्र पर आयोजित होगा। बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा कार्यालय पेरेडिकल परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिकाएं भी यहाँ पर सभी शिक्षा कार्यालयों के माध्यम से जो है स्कूल और कॉलेज को जो है यहाँ पर भेजा जा रहा है। यानी कि जो भी आप लोग का पेरेडिकल परीक्षा है, आप लोग का पेरेडिकल परीक्षा का उत्तर पुस्तिकाएं सभी जिला शिक्षा कार्यालय के माध्यम से जो है सभी स्कूल कॉलेज में जो है यहाँ पर अभी भेजा जा रहा है। भौतिकी में जो है 67,726 परीक्षार्थी जो है शामिल होंगे। हर दिन हर विषय की पेरेडिकल परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी। पेरेडिकल परीक्षा को लेकर बोर्ड ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, आप लोग अपने स्कूल कॉलेज से प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। जिन स्कूलों के स्टूडेंट को टैग किया गया है उन्हें इसकी जानकारी भी दे दी गई है। पेरेडिकल परीक्षा में कोरोना से बचाव संबंधित गाइडलाइंस जो है आप लोग का एडमिट कार्ड पर जो है सारा का सारा देखने को मिल जाएंगे। जिले में सबसे ज्यादा गर्दनीबाग गर्ल्स कॉलेज में जो है टैग किया गया है, पेरेडिकल परीक्षा के लिए सेंटर बनाया गया है।
इस कॉलेज में आसपास के 5 कॉलेज और स्कूल को टैग किए गए, यानी कि उस कॉलेज में जो है 5 स्कूल कॉलेज को जो इसमें टैग किए गए परीक्षा सेंटर यानी कि बनाए गए हैं। इस कॉलेज में 550 स्टूडेंट प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल होंगे। वही दूसरे नंबर पर जो है ANS कॉलेज मनेर में 417 छात्रों को टैग किया गया है, यानी कि इतने छात्राओं को जो है टैग किया गया है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट की संख्या जो है यहाँ पर दिया गया है। विषय यहाँ पर फिजिक्स में देख सकते हैं, यहाँ पर कुल स्टूडेंट जो है डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पर दिया गया 37,726 और केमिस्ट्री में जो है 37,750 है और बायोलॉजी में जो है यहाँ पर 15,367 है और कृषि में जो है 66 है। और यहाँ पर विषय यहाँ पर देख सकते हैं EPS में जो है 1,065 है और भूगोल में जो है 13,428 है और होम साइंस में 6,043 है और मनोविज्ञान में जो है 10,007 है। यही जो है आप लोग का बिहार बोर्ड ने यहाँ पर एक दूसरे स्कूल कॉलेज को टैग कर जो है प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए जो है सेंटर बनाया है। जिस स्कूल कॉलेज में लाइव की व्यवस्था नहीं है उस स्कूल कॉलेज में जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं लिए जाएंगे, एक दूसरे स्कूल कॉलेज में जो है लिए जाएंगे जहाँ पर लाइव की व्यवस्था की गई है। प्रैक्टिकल परीक्षा का यहाँ पर उत्तर पुस्तिका भी सभी स्कूल कॉलेज में जो है भेजा जा रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।